चलते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो सीए का क्या हुआ, वो मोटा भाई कहाँ है, वो तो यूं हाथ रख के खड़ा था, वो क्या हुआ, सारी स्टाइलबाजी चली गई, सीए इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। हमने कहा सिंपली सीए तो इंप्लीमेंट हो चुका है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। लो भाई, सेंटर हैज इनवाइटेड हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस बिलोंगिंग टू अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड रिजाइडिंग इन 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। यूनियन होम मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड यस्टरडे फॉर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। लो भैया, हो गया लागू सीए, कमाल हो गया, अब क्या करें। और वो तो इतना सारा वो सब करके बैठे थे, वो शाहीनबाग में तो कुछ लोग प्रेग्नेंट हो गए इस चक्कर में कि सीए नहीं लागू होने देंगे, तो सीए तो लागू हो गया। क्या बोले इसको, लाहौर पे बिल्ला कूदत, बड़ा कमाल हो गया साहब। सिटीजनशिप एक्ट 1955 है सर, सीए उसके साथ का अमेंडमेंट है ना, इसको जरा समझ लें आप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट पास नहीं हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। सिटीजनशिप अभी भी 1955 के ही एक्ट से गवर्न होगी, उसका अमेंडमेंट है ये, राइट। सूर्यकांत जी कहते हैं मोदी जी ऑलवेज सेट्स एन एग्जांपल, मोदी जी ऑलवेज मेक्स वोटर्स हु वोटेड फॉर बीजेपी प्राउड फॉर द सिलेक्शन। बिल्कुल सूर्यकांत जी, वोट पूरा वसूल हुआ एक एक। तो साहब वो जो कह रहे थे इतने दिनों से, वो क्या हुआ सीए का, क्या हुआ सीए का, एक सज्जन हमारे मित्र हैं, रोज आते थे, रोज कोचना उनको, वो क्या हुआ सीए का, हमने कही थी नहीं हो पाया, कह रहे थे कुछ हो ही नहीं पाएगा, ए ले सीए सीए इतना दंगा करा दिया, ये करा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आज आ गया, हमने उनको बोला भैया, हमने कहा मांग ली यार, ये तो गलत हो रहा है यार, मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए यार। तो सीए में तो स्पष्ट लिखा है भाई, सताए हुए लोगों के लिए, सताने वालों के लिए नहीं है। आप सीए को पढ़ नहीं पाए ढंग से, सीए जो लाया गया है वो सताए हुए लोगों के लिए, सताने वाले लोगों के लिए नहीं है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो साहब सीए लागू हो गया, अभी देखो हमारे कुछ लोग अभी शुरू हो गए एनआरसी कब होगा, मतलब फूफा तो हमारे यहाँ से भरे पड़े हैं, मतलब खुशी मिल रही है वो खुशी लेनी नहीं है, आज खुशी है तो ऐसा क्या हो जाएगा, एनआरसी लाओ, उनको निकालो। अरे पहले जो आ रहे हैं उनको तो आ जान दो, फिर निकाल लेना है कि, मतलब वो वाली बात हो गई कि भाई कई लोग होते हैं ना ऐसे, मुस्लिम भी हिंदू में सिटीजनशिप ले लेगा, सौरभ चौधरी जी कहते हैं, घर वापसी हो गई सर, सीधी सी बात है, आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया, चलो देर से आया धीरे से आया, आ गया आपको, इसी को घर वापसी बोलते हैं, चलिए खुश हो जाइए। तो भैया जो लोग कह रहे हैं एनआरसी नहीं आया अभी तक, एक तो ये दिक्कत ये है कि मोदी और योगी और अमित शाह को, इनको पता नहीं है कैसे करना है चलानी है सरकार। हम इनको समझाते हैं अपने फूफाओं के माध्यम से, योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप तीनों सुन लें भाई, आपको घोड़े पर बैठ के जाना है और स्पीड में जाना, ढबक 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 ढबक, और दो ठो कट्टा, एक ठो इधर एक ठो इधर, और देश के अंदर जहां लफड़ाता खोस कट्टा निकाल बाहर, और दो ठो फायर ठोके ठाए ठाए, और खेल खत्म। तो ऐसे वाली जो लोग इमेजिन कर रहे हैं सर, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मेहरबानी करके ऐसी उम्मीद ना करें। खैर सीए जो लागू हो गया उसके बारे में देख लेते हैं। ऑनेस्टली फील दैट एमएचए शुड मेक एन एक्सेप्शन टू बलूचिस्तान व्हेन इंप्लीमेंटिंग सीए, बलूचीज, तुषार जी। तुषार जी फिर तो बलूचियों का आप देश ही छुड़वा दोगे अगर ऐसा करोगे तो ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं इसके बहुत कम पक्ष में रहता हूँ कि वहाँ से कोई आ रहा है तो उसको अपने सिटीजनशिप दो, नहीं वहाँ रहो क्योंकि वहाँ से तो खत्म हो जाओगे, लेकिन वैसे भी खत्म हो रहे थे तो बेचारे क्या करते। आइए, गवर्नमेंट इन्वाइट्स सिटीजनशिप एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये राजू ये मैं क्या पढ़ रहे ला रे बाबा, नॉन मुस्लिम काय को लिख रहे ला है, नॉन मुस्लिम, अरे बाबा रे बाबा, मोदी जी हाउ डे यू, हाउ डे यू, ऐसे कैसे कर दिया आपने मोदी जी, नॉन मुस्लिम, इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन मुस्लिम है। वो इंक्लूसिव सोच वाली आंटी जी जो है आज हमारी, आज बहुत परेशान है, उन्होंने इतने मेहनत से जाके भाषण दिया था कि जब तक हमारी कौमी इनारों को वो ना मिल जाए तब तक हम एक काम करते हैं, इनको उल्लू बनाते हैं, फिर हम ले वहीं जाएंगे इनको। खैर कोई बात नहीं। भावना मानिक जी, सुशील कुमार जी, चरण वंदना गुरु जी का खुश रही भैया। सूरज बेश जी कहते सर आज हैरान हो गया, केजरी के चमचे फेक न्यूज़ देखकर मोदी बीजेपी को गाली दे रहे हैं, और जब मैं उन्हें सच बताता तो मुझे अनबक बोल रहे थे। अरे सूरज बिश जी तो रोज का काम है हमारा। आदर जी कहते हैं ये शाहीनबाग वाले बिरयानी खाना भूल गए होंगे, सीए लागू हो गया। सीए सर उसी समय लागू हो गए। देवू पटेल जी, वाई क्रिश्चियंस दे हैव नथिंग टू डू विद हिंदू,
ये बात भी सही देव प्रत्याल जी। लेकिन देव प्रत्याल जी क्या होता ना कि उनको दे दी तभी भी उनके वहाँ से फतवा निकल आया कि बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो मैं अगर होता मोदी जी की जगह, मैंने कहा ना कि ये लोग थोड़े शराफत में फंस जाते, मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उसमें से एक्सक्लूड कर देता उस शब्द को उसी समय। एक काम करो, क्रिश्चियंस को नहीं आने दे, आप वहीं खुश रहो, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को साथ में लाना चाह रहे हो जो आपको पीट रहे हैं, तो फायदा क्या है, यहाँ भी पिटोगे तो फिर वहीं पिट लो, या काय को बुला रहे हो, तो रट्टा खत्म करो, जिसकी जैसी इच्छा पिटने की, मतलब मन मन भावे मुंह हिलावे, फायदा भी पूरा लेंगे और मोदी का नुकसान भी करना। नहीं, मोदी तो गलत कर रहा है, वोट बिल्कुल मत देना मोदी को। वो कौन कौन से बिशप थे खड़े हो के उन्होंने बोला था वोट मत दो। चलिए, तो साहब बांग्लादेश दुनिया जहां से इधर उधर से आ रहा है, और न्यूज है, MHA इनवाइट्स नॉन मुस्लिम फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। भाई ये मोटा भाई ने सब गड़बड़ कर रखा है, ये मोटा भाई ने सब गड़बड़ कर रखा है। चलो साहब लागू हो गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे लागू होगा नहीं होगा, लागू भी हो गया नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा चालू है ही। नॉन मुस्लिम कैसे चेक करेंगे, तो सर आपको पता है कैसे चेक होता है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए CA की बहुत आवश्यकता थी और CA आ गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक। जिसको भला लगता है भला लगे, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे। तो फैसलों का दिन था, दो फैसले आपके सामने बैक टू बैक बेहतरीन फैसले। अब आते हैं उस विवाद पर जो विवाद थम, हाँ बिल्कुल मिस्टर सिंह सही कह रहे हैं। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा